गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का लेक्चर जो होगा वो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर 7 नंबर द इंटरव्यू, इसके हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू, और हम लोग पढ़े थे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, है ना। जनरली वी विल फेस मेनी इंटरव्यूज इन अवर लाइफ, बट वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द पीपल जनरली फेस इन द इंटरव्यू, दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इसमें देखे थे कि इंटरव्यू में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जब हम इंटरव्यू देते हैं, और इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको अलग अलग राइटरों ने क्या बताया था, और ओवरऑल ओवर जो इंटरव्यू है वो कैसा एक मीडियम है। ये तो ये जो चैप्टर है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, द चैप्टर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट देर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देख लेते हैं इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू चैप्टर में आपको बताया गया था कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव न्यूज ऑन इंटरव्यू, कुछ पॉजिटिव न्यूज इंटरव्यू के बारे में क्या है। तो पॉजिटिव न्यूज क्या है कि एन इंटरव्यू इज द हाइएस्ट फॉर्म, इज ए सोर्स ऑफ द ट्रू फैक्ट एंड सुप्रीम सर्विस केबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू को सबसे अच्छा माध्यम माना गया है, सबसे अच्छा सर्विस माना गया है, सबसे सुप्रीम माना गया है, सबसे उच्च सर्विस है ना, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को उसके सच्चाई को जानने का, ठीक है। इट फर्निशेस, ये क्या फर्निशेस करता है, ये क्या मतलब कि क्या ओपन करता है बात, क्या खोलता है बात, विविड इम्प्रेशन, अलग अलग प्रकार के इम्प्रेशन को प्रभाव को जमाता है ऑफ कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज, मतलब पर्सनैलिटीज बोला गया माननीय सम्माननीय लोगों को, जो पर्टिकुलर लोग हैं उनको, तो वैसे लोगों को इम्प्रेशन को जमाता है आज के वर्तमान दुनिया में, ठीक है। द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजिशन, और इंटरव्यूअर जो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी एक पोजिशन होल्ड करता है, पावर एज वेल एज इन्फ्लुएंस, और जो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वो भी एक अलग का रिपोटेशन और पावर के साथ इंटरव्यूवी के सामने प्रेजेंट होता है और एक माहौल बनाता है। इट मीन्स टू से कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा फॉर्म इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू के जरिए हम उस व्यक्ति को बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं। व्हाट आर द फैक्ट, व्हाट आर द सीक्रेट ऑफ दैट पर्सन, तो वी विल हैव टू नो थ्रू इंटरव्यू, हम लोग को किसे जानना होता है, इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यू, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो डिस्पाइस करते हैं बीइंग इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे, ऐसा क्यों मानते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स फील दैट दे आर, है ना, विक्टिमाइज वाइल गिविंग इंटरव्यूज। बहुत सेलिब्रिटी, बहुत से अच्छे लोग जो कि हर क्षेत्र जगत से होते हैं, उनका मानना होता है, बहुत सारे राइटर होते हैं उनका मानना होता है कि वो बहुत बार इंटरव्यू को फेस किए हैं, ठीक है। दे कंसिडर इट एन अनवारंटेड इंट्रूशन इन दियर लाइफ, तो वो मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो इंटरव्यू होता है वो अनवारंटेड इंट्रूशन होता है, मतलब जबरदस्ती का दखल अंदाजी होता है, ये जबरदस्ती उनके लाइफ में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि सर वी एस नायपॉल, है ना, ओपिनियंस दैट, ये ओपिनियन देते हैं, ओपिनियंस दैट ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के दौरान पीपल लोस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, कि पीपल में जो खामी होते हैं उसमें जो क्वालिटी होता है वो कभी कभी लॉस कर देते हैं वो, ठीक है। लेविस कैरोल कंसिडर इट इमोरल, लेविस कैरोल जो राइटर हैं वो इसको इमोरल मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, क्राइम है ये, कॉवर्डली। एंड सॉल विलो कंसिडर दैट थम प्रिंट ऑन द विंड पैप, अर्थ देखिए तीन राइटर का नाम दिया, सॉल विलो याद रखेंगे, सॉल विलो कहते हैं कि ये विंड पैप ऑन हिज विंड पैप, मतलब ये जो विंड पैप है जिसे आप बोलते हैं, जिसको श्वास नली बोला जाता है, वोकल पाइप, इस पर बोलता है कि अंगूठा दब जाता है, मतलब कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता डर से। और बी एस नायपॉल कहते हैं कि ड्यूरिंग इंटरव्यू पीपल लॉस ए पार्ट ऑफ देम सेल्फ, कि खुद में वो डर के मारे भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। और लेविस कैरोल कहते हैं कि ये इमोरल है, मतलब कि ये अनैतिक है, ये नैतिक चीज नहीं है देना, क्राइम है ये, और कॉवर्डली, मतलब ये कायरता का काम हो जाता है इंटरव्यू लेना। तो अलग अलग राइटरों का अलग अलग व्यू है इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। चलिए एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या, देखिए जैसे कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो एक है कि व्हाई इज द बिट, व्हाट इज द बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बींग फोटोग्राफ्ड, एक पुराना जो प्रिमिटिव कल्चर है, एक हम लोग का एक मान्यता है उस कि प्राचीन लोगों में ये कल्चर था, विश्वास था, ठीक है,
तो एक संस्कृति, एक तरीका से एक सभ्यता था, एक जो चलते आ रहा था कि बहुत सारे लोग है ना फोटोग्राफ से दूर हट जाते थे। तो क्या वो कल्चर था? सम प्रिमिटिव कल्चर डू नॉट लाइक देमसेल्फ बीइंग इन फोटोग्राफ। तो कुछ जो प्रिमिटिव मतलब प्राचीन जो कल्चर है, सभ्यता है, उनके अनुसार ठीक है, उनका एक संस्कृति रहा है, उन संस्कृति अनुसार बहुत सारे लोग फोटोग्राफ खिंचवाने से मना करते हैं, यानी कैमरा पर आने से मना करते हैं वो अपने आप को। वो क्या कहते हैं, दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते थे कि फोटोग्राफिंग ए पर्सन इज नो लेस देन स्टीलिंग हीज और हर सॉल आउट ऑफ द बॉडी एंड रेंडरिंग हिम इनकम्प्लीट एंड स्लाइटेड। कहता है कि जब किसी व्यक्ति को हम फोटोग्राफ लेते हैं ठीक है, तो उसका आत्मा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका आत्मा ही हम कैप्चर कर लेते हैं। इट मीन्स टू से कि इफ आई टेक ए फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन एंड टेक द फोटो विथ यू, इट मीन्स यू आर स्टीलिंग द सॉल ऑफ द पर्सन। अगर आप किसी का फोटो लेके, पहले के ज़माने में वो लोग विश्वास करता था कि आप किसी का फोटो लेके चल गए, इसका मतलब उसका आत्मा चुरा के उससे ले गए, उसे वो छोटा हो जाता है और वो अपने आप को असहाय फील करता है। ठीक है, तो ये चीज़ था ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये पुराना एक कस्टम था, उसको याद रखना है। अब अम्बर्टो इको एक हैं जो इंटरव्यू दिए थे, उनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अम्बर्टो इको एक नोबलिस्ट हैं और एक फिलोसफर भी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है कि डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ ए नोबलिस्ट फर्स्ट और एकेडमिशियन स्कॉलर। तो वो अपने आप को नोबलिस्ट मानते हैं क्योंकि उन्होंने एक नोवेल लिखा था, नोवेल का नाम था द नेम ऑफ द रोज। तो ये जो नेम ऑफ द रोज जो इनका नोवेल था, वो उसके लिए इनको जाना जाए, या फिर ये जो फिलोसफर थे, एक स्कॉलर थे, इसके लिए इनको जाना जाए, तो अपने आप को ये पहले क्या मानते हैं, स्कॉलर मानते हैं कि फिलोसफर मानते हैं? तो देखिए, अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ एज एन एक्यूमेडिशियन फर्स्ट। सबसे पहले वो एक्यूमेडिशियन मानते हैं, यानी शिक्षा से जुड़े हुए लोग, शिक्षाविद मानते हैं अपने आप को। ही मेक्स हिमसेल्फ वेरी क्लियर, वो खुद ही में ये चीज़ को क्लियर कर देते हैं, दैट ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बाय एक्सीडेंट। वो कहते हैं कि हम नॉवल को लिखना एक एक्सीडेंट के थ्रू स्टार्ट किए थे ठीक है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही हैड नथिंग टू डू वन डे, उनके पास एक दिन कुछ करने के लिए नहीं था, एंड सो ही स्टार्टेड राइटिंग, और इसीलिए वो लिखना शुरू कर दिए नॉवल्स। नॉवल्स सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन, और जब ये नॉवल लिखना शुरू किए तो ये सेटिस्फाइड हुए नरेशन से, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हुए, अगेंस्ट 40 वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन का कार्य भी इन्होंने किया था, नॉन फिक्शन एक आर्ट ऑफ राइटिंग है। ही हैज रिटन ओनली 5 नॉवल्स, उन्होंने 5 नॉवल लिखा है। अम्बर्टो इकोज फेम डज नॉट रेस्ट ऑन हिज एकेडमिक राइटिंग एलोन। तो इनका जो नेम और फेम आया है, प्रसिद्धि, लोकप्रियता बढ़ा है, तो लोकप्रियता बढ़ने के पीछे इनका सिर्फ एक ही कारण नहीं था कि ये सिर्फ स्कॉलर थे या प्रोफेसर थे, इसके कारण चूंकि ये नॉवलिस्ट ही बने थे तो बहुत सारे लोग इसको जाने। ही फील्स प्राइड, उनको गर्व महसूस होता है ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो ये अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़्यादा मानते हैं ठीक है। कहते हैं ही इज ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज। तो ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो नॉवल हमेशा संडे को लिखता हूँ ठीक है, नॉवल हमेशा संडे को लिखता हूँ। इट इज़ वेरी क्लियर, ये काफ़ी क्लियर है दैट नॉवल्स राइटिंग इज हिज कैजुअल जॉब, कि ये इसका औपचारिक जॉब है, सिर्फ नॉवल लिखते हैं तो वो पार्ट टाइम है ठीक है। द मेन जॉब इज ऑफ एन एकेडमिक स्कॉलर, और मेन इनका जो जॉब है, मेन जो इनका काम है, वो पढ़ाना है, प्रोफेसर हैं। बाद में ये नॉवल, जब इनको वर्क काम मिलता है, इनको जब टाइम मिलता है, तब ये नॉवल लिखते हैं। इन शॉर्ट, अगर कम शब्दों में कहा जाए, तो हिज पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई विद एकेडमिक कम्युनिटी, कि इनका जो पर्सनैलिटी है वो शिक्षाविद के रूप में ही सामने आया, मतलब प्रोफेसर के रूप में ठीक है। उनके बाद हम लोग देखते हैं इनका जो एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने इस चैप्टर को एक बार देख ले रहे हैं ठीक है। व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू। रुडयार्ड किपलिंग और उनकी वाइफ क्या कहती हैं इंटरव्यू के बारे में? तो वो कहती हैं, चलिए आप लोग जवाब देना चाहेंगे, फटाफट जवाब देते जाइए। तो क्या कहती हैं वो और उनकी वाइफ? रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये और इनकी वाइफ क्या कहते हैं,
कि इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन, कि किसी भी पर्सन के विरुद्ध ये एक क्राइम है, इमोरल है, अनैतिक है और ऑफेंसिव क्राइम है, मतलब कि एक जिसको बोला जाए कि क्राइम है, अपराध है, ये किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसको डर लगता है और वो हर्ट हो जाता है, इसलिए हर्ट हो जाने के कारण इंटरव्यू एक क्राइम माना जाता है। इसके अनुसार वाई आर बींग जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड बाई द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, बहुत सारे जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर थे प्रकाशन करता, वो पजल्ड मतलब कि भौचक क्यों हो गए जब नेम ऑफ द रोज जो अम्बर्टो इको ने नॉवल लिखा था, ये नॉवल का नाम है अम्बर्टो इको का, अम्बर्टो इको का नॉवल का नाम है और ये फेमस हो गया, तो इसी कारण क्या क्या कारण था, ठीक है। बिकॉज इट हैड रिलेटेड सक्सेस, बिकॉज इट वॉज अपकमिंग पॉपुलर, बिकॉज रीडर्स लाइक फ्रेश एंड इट वॉज ए सीरियस नॉवल, तो बिल्कुल ये होगा, ये फ्रेश था, सीरियस नॉवल था, जिस कारण से इसको क्या माना गया, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवल हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज लेविस कैरोल ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू, लेविस कैरोल जो हैं इनका ओपिनियन क्या है इंटरव्यू के बारे में, लेविस कैरोल, तो लेविस कैरोल जो हैं ये ओपिनियन इनका इंटरव्यू में किस बात के देते हैं, ये क्या बताते हैं कि वंडर है, आश्चर्य से भरा हुआ है, या डर है, भय है, या नानाबीज है, तो बताइए। इसमें लेविस कैरोल ने क्या बताया है कि ये बताते हैं कि ये हॉरर क्रिएट करता है, ठीक है, और वीएस नेपोल बताते हैं कि ये टेरर क्रिएट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टो इको डील्स विथ, कौन से पीरियड के बारे में, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था कौन से पीरियड के बारे में ये अम्बर्टो इको का नॉवल जो है वो बताता है, तो याद रखेंगे मॉडर्न एरा के बारे में, जिसको हम कंटेम्प्रेरी भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मॉडर्न एज है ये तो बता नहीं रहा है, मॉडर्न एज अभी चल रहा है, तो मेडिएवल पीरियड हम लोग मध्य भारत ऑप्शन नंबर ए आपके जाएंगे, क्योंकि अम्बर्टो इको आज के नहीं पुराने हैं, तो उस समय के बारे में नॉवल था, तो वो जो जिस समय के अम्बर्टो इको थे वो मेडिएवल यानी कि मध्य भारत के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। वाई डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवल, क्यों अम्बर्टो इको जो है वो नॉवल लिखना शुरू कर दिए थे, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इम्पर्टी प्लेसेस फॉर फ्री टाइम, तो बिल्कुल यही था कि वो अपना बेस्ट यूज करना चाहते थे, जो उनका खाली जगह बच जाता था पढ़ाने के अलावा उसको, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट फैक्ट आर बीइंग शोकेस्ड, कौन सा फैक्ट को शोकेस्ड किया गया था इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पद्मनाभन, तो पद्मनाभन और जब अम्बर्टो इको के बीच में इंटरव्यू हुआ, तो इसमें कौन से है ना फैक्ट मतलब शोकेस सामने आया बात निकल के, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या चीज दिया हुआ है, यूजेज हिज फ्री टाइम ऑफ राइटिंग नॉवल, उन्होंने बताया कि हम फ्री टाइम का यूज करते थे, तो उन्होंने बिल्कुल बताया था। बींग ए नॉवलिस्ट ए सेकेंडरी थिंग ऑफ फॉर हिम, नॉवलिस्ट होना सेकेंडरी थिंग है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वो एकेमेडिशियन थे। फिर है कि ही टेक्स प्राइड ऑफ बींग एकेमेडिशियन, उनको गर्व है कि वो पहले एकेमेडिशियन है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट, वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो बिल्कुल ये सही है, तो इस तरीका से आप ऑप्शन नंबर बी आता है जो राइट आंसर है, ठीक है। हाउ मेनी नॉवल हैज अम्बर्टो इको रिटन, अभी मैंने बताया कितना ये नॉवल इन्होंने लिखा था, क्या हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन 5, ठीक है। फिर देखिए व्हाट डू हिज वर्क फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट, उनका जो नॉवल है जो चिल्ड्रन के बारे में बताता है, तो वो किस बारे में बताता है, नॉन वायलेंस एंड पीस, चिल्ड्रन लव टू बी हैप्पी, चिल्ड्रन आर इनोसेंट्स, या हिज पैशन फॉर चिल्ड्रन, तो नॉन वायलेंस एंड पीस याद रखेंगे, बच्चों के बारे में जो उन्होंने स्टोरी लिखा है वो किसके बारे में लिखा है, अहिंसा के बारे में और शांति के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन डेनिस ब्रेन स्टेटमेंट, क्या बोले उन्होंने डेनिस ब्रेन ने, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ ए मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर, कि हम लोग के पास जो नॉवल मतलब जो इंफॉर्मेशन पहुंचता है उसमें एक आदमी पूछ रहा होता है, एक जवाब दे रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि द इंटरव्यूअर कैन इलिसिट द ट्रूथ एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस, कि उसमें इलिसिएट मतलब कि प्रभाव जमाने का एक पावर होता है जिसे वो बोलता है। द इंटरव्यू हैज इंटरव्यूअर हैज स्टेटस, या फिर इंटरव्यूअर का एक अपना वैल्यू और स्टेटस होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर थर्ड 9, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है द इंटरव्यूअर हैज द पावर, देखिए हाँ ये है कि इंटरव्यूअर के पास पावर है, तो ये भी है। फिर है ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरव्यूअर कैन इनिशिएट द ट्रूथ एंड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस, तो ये भी सही है। तो इस तरीका से आप देखेंगे
कि आपका जो नाइन है इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज याद रखना है आपको। इंटरव्यूअर के साथ सारा पावर होता है। हु सेटिस्फाइड अम्बर्टो इको टेस्ट फॉर नरेशन, कौन जो है अम्बर्टो इको को नरेशन मतलब नरेशन को टेस्ट किया था, है ना, सेटिस्फाइड किया था, तो वो उनका नॉवल राइटिंग था, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन द विंड पैप, ये जो थंब प्रिंट लग जाता है विंड पैप पे, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? तो इसका मतलब है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना देता है और टेंशन किसी दूसरे के लिए, क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन द वोकल कॉर्ड। हाँ, तो ये है कि वोकल कॉर्ड पर ऊपर एक प्रेशर बनता है, क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन थ्रोट, कि गला में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रेशर बनाता है जिससे लोग बोल नहीं पाता है। तो आप बताइए कि कोड यानी कि जहाँ से ये आवाज़ निकलता है, ये जो विंड पैप है इसको बताता है विंड पैप बोला है या फिर गला को बोला है? तो गला का काम राग निकालना है, गला का काम क्या है, राग निकालना, जबकि यहाँ पर हम लोग को बोला क्या जा रहा है, थ्रोट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका बोल दिया है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि विंड पैप तो बोला है लेकिन यहाँ पर कोड और थ्रोट को नहीं बोला, क्योंकि प्रेशर दिमाग में होता है और जिसके कारण जो है अब बोल नहीं पाते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ रहा है, क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, टेंशन फॉर समवन, किसी भी व्यक्ति के लिए जो इंटरव्यू दे रहा होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा था उसके लिए। वाई डू द सेलिब्रिटी फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफन, बहुत समय में जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको शर्म क्यों आता है देने में? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि क्वेश्चन का अटैक होता है इंटरव्यू के दौरान। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर्स एप्रिसिएंस, क्योंकि वो इंटरव्यूअर सामने दिखते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर गेस्चर, के जो इंटरव्यूअर उनका गेस्चर तरीका अलग होता है, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो एम्बेरेस क्यों फील हो करते हैं, क्योंकि एक तरीका से देखो अलग अलग राइटर बोलते हैं, किन्हीं का कहना है कि ये क्या करता है कि ये अटैक कर देता है पूछने वाला पर, तो जो अटैक करता है तो अटैक के कारण वो बोल नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लेके चलना है, इंटरव्यू अटैकिंग अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। इट वॉज ए डिड स्टार्ट राइटिंग नॉवल्स, कितना एज में, ठीक है, जो अम्बर्टो इको है तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो आप इसमें देखेंगे कि लगभग 50 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा, ये 50 के एज में उन्होंने लिखना शुरू किया था। व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन हिज बुक, अपने बुक में वो क्या क्या प्रेजेंट करते हैं? तो वेरियड ओपिनियन सेलिब्रिटी रिगार्डिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा, या वेरियड ओपिनियंस फॉर आर्मी मैन, या वेरियड ओपिनियन फॉर पॉलिटिशियंस। तो ये पॉलिटिशियंस और आर्मी ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर वो अलग अलग ओपिनियन सेलिब्रिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। इनका जो बुक का नाम है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका नाम है पेंगविन, ठीक है, पेंगविन बुक्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, बुक्स ऑफ इंटरव्यू। तो पेंगविन मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बोला गया वो किसको बोला गया, तो ग्रुप है अलग अलग राइटरों का एक संग्रह जिसको इन्होंने लिखा है इसमें, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इनके राइटर हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें से आपको ज़्यादा आने का चांस है। एक दो और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि इनका इंटरव्यू कौन ले रहा था, तो इन लड़का का जो नाम जो कि इंटरव्यू ले रहा था उनका नाम था मुकुंद, क्या चीज नाम है, मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन याद रखेंगे, मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लड़का आया था वो कौन से न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट था, तो द हिंदू याद रखेंगे, वो ये न्यूज़पेपर का नाम है और इसी न्यूज़पेपर का वो एक तरीका का जर्नलिस्ट था जिससे इंटरव्यू लेने वो आया था। अम्बर्टो इको कौन से नॉवल से फेमस हुए थे, तो इनका नॉवल का नाम था द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। इनका कितना कॉपी बिका था, तो 3 3 मिलियन याद रखेंगे, 3 मिलियन कॉपी इनका बिका था, ठीक है, था 3 मिलियन, सॉरी 30 मिलियन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। ये चैप्टर था आपका इंटरव्यू, और इसमें जो छोटा चैप्टर था और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया आपको। इसको आपको मतलब कि एक बार ही देखना है, बाकी आई थिंक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले बुक में एक और चैप्टर आपका गोइंग प्लेसेस है, उसके बाद सेकेंड वाला जो है वो छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर होगा, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा इस वीक में, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ, ठीक है, थैंक यू।